Sai, mano. Hein? Pode ser. Chico? Sim. Vamos parar um lugar de dia. अच्छा अच्छा वो वाल वापस चले आइए मुकद्दस मुकद्दस जानी हेलो इधर है क्या मुकद्दस बाबा की जान जा। बड़ी बात है इतनी बड़ी बोतल लेके खेल रही हो वाह जी वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बिल्कुल खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साबरा और मैं भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, इंशाल्लाह आज की वीडियो आप बहन भाइयों को बहुत पसंद। तो जी आज ये प्याज जो है ना वो मंगवाए हैं मेलसी से, और कुछ जो कम हो गए थे ना तो ज़मीनों में इनको लगाना है। और प्याज ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, सिर्फ इतने से ये जो प्याज है ना ये वाले ये तकरीबन 10,000 रुपये के हैं। तो पहले 30,000 के मंगवाए थे तो उनमें से कुछ ख़राब हो गए हैं, तो कुछ जो है ना वो सही हैं, अब सफाई वगैरह कर रहे हैं साथ साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से बेहतर हैं, बारिशें भी हो रही हैं। तो साबरा जो है ना वो अभी देखें इधर सफाइयों में लगी हुई है, सुबह ही सुबह इसने रोले डाले हुए हैं। क्या हाल है सर जी? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसी हो, तबीयत सेहत कैसी है आपकी? चलो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारी यही दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। ये इस बंदे का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ये सामने खड़ा हुआ है, मैं आपको चल के मिलवाता भी हूँ कि इसने मेरा जो है ना कहना माना है, इसकी बड़ी मेहरबानी है। और मैंगो के जो बूटे थे ना इन पे मैंने लकड़ियाँ लगा दी थी, अभी चलते हैं भाई के पास और साथ में प्याज वाली जगह भी आपको दिखाता हूँ। और इसका शुक्रिया अदा मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि इसको मैंने बोला है, भाई को मैंने बोला है, अल्लाह के बंदे हमें हवा नहीं लगती घर में। वालेकुम सलाम। तो आप ये वाला जो घास है ना ये पहले काट लो, ठीक है ना, सफाई कर दो, रास्ता बनाओ, बीच बीच में से काटते जा रहे हो, ठीक है। बस ये यार ये ना ये सामने वाला जो सीधा घास है ना ये सारा काट दो, ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी सर। तो अभी जब तक साबरा भी फ्री हो जाए तो मुकद्दस से भी इंशाल्लाह वीडियो में मुलाकात होगी। तो एक और बात जो अहम आप बहन भाइयों से करना चाहता हूँ, तो हमारे चैनल को इतने बड़े तो नहीं हैं, अगर कोई बहन भाई पेड प्रमोशन करवाना चाहता है थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, जिनके व्लॉगिंग के चैनल हैं तो वो हमसे रابطہ कर सकते हैं, वीडियो की एंड में मैं नंबर दे दूंगा, तो आप ज़रूर रابطہ करें, जो भी इंशाल्लाह हेल्प होगी हम साबरा और मैं करेंगे। तो अभी ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारे इलाके में कपास है, एक बंदे के ऊपर जो है ना जा रही है, मेरे जितना कद है इसका, तकरीबन 5 फुट कद हो चुका है इसका कपास का, तो ये बहुत बड़ा कद है। नीचे भी आप देखें, ये देखें बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। और ये जो चीज़ है ना अहम, ये तो फुल गुड्डी जो है ना वो ना किरे, और ये देखें वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, ये देखें। और ये जो पौधा है इसकी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है, ये देखें इसके फ़ायदे भी बड़े हैं, अक्सर बहन भाइयों को हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये देखें इसके फूल अब बहुत खिले हुए हैं, तो सावन लगा है ना, पौधे जितने भी थे
उनके कद भी बड़े हो गए हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ही प्यारी प्यारी परिंदों की यहाँ पे वॉइसेस हैं। ये आपको मैं आज जो चीज़ें दिखा रहा हूँ तो साबरा के विलाग में कम ही नज़र आती हैं। उसकी वजह ये है कि इधर फिर जो है ना घर का विलाग होता है वो, उसमें फिर थोड़ा मुकद्दस की वीडियो ज़्यादा होती है। ये देखें, ये जंतर है, अक्सर बकरियों के लिए ना ये बोया जाता है हमारे इलाके में। ये देखें इसका कद, देखें तकरीबन इसका कद इस वक्त होगा 8 फुट। तो ये जब बकरियां जो पालते हैं ना तो ये ऊपर ऊपर से काट लेते हैं। ये घास अभी अभी काट के ये देखें गए हैं, ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गांव है ग्रीनरी के लिहाज से और खूबसूरती के लिहाज से हर लिहाज से बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। यहाँ के ये भी जंतर है छोटा छोटा है, तो मकसद है ये जवार है साथ में, और ये जो चीज़ है ना ये सब्जी, ये देखें भिंडियाँ जो हैं। अब कद आप इनका देख लें, अभी फिलहाल गर्मी की वजह से ना बहुत कम लग रही हैं। ये देखें ये कपास में सारी भिंडियां जो है ना बोई हुई हैं कपास के अंदर, और ये तूड़ी वाली जो धाड़ होती है वो है, तो तूड़ी यहाँ से उठा ली है, अभी ये बची हुई है। दोबारा से गंदम आने तक ये तूड़ी चलेगी, तो अभी आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि प्याज की क्या सूरत हाल है। जब तक आप बहन भाई इस जो छोटा छोटा सफ़र मैं करता हूँ ना इसको एंजॉय किया करें। ये देखें इस तरफ चलते हैं अभी, कि यहाँ से भाई चला गया घास काट के, और ये हमारे माल्टे हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त लगे हुए हैं। बच्चे अभी भी इनको तोड़ने के लिए कभी कभी चक्कर लगा लेते हैं। तो प्याज आपको दिखाते हैं, ये प्याज है, और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी कितनी हो गई है, जड़ी बूटी नज़र आ रही है, बाकी प्याज इसमें आपको एक एक दाना नज़र आएगा। ये देखिए आज दोबारा से जो है ना इसकी वो पनीरी जो होती है ना कन, जिसको हम बोलते हैं सराकी में कन, वो मंगवाया है। ये देखें यहाँ से ये मुकम्मल साल साल सफाई होती आ रही है। ये देख रहे हैं ये खेलियाँ जो है ना छोटी छोटी जो बनी हुई हैं, ये 10-15 जो है ना पहले सफाई कर ली है, और दोबारा से भी इसमें जड़ी बूटी हो रही है दोबारा से। ये देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना इस पे हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच से हट के तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसकी सफाई करते करते। तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, हो जाए बस, ठीक है ना, जितने पैसे इस पे लगाए हैं ना वो निकल आए वो बहुत बड़ी बात है। भाई फियाज जो है ना वो मुझे देख रहे हैं, वो कहते हैं पता नहीं ये क्या बात कर रहा है। चलते हैं अब अंदर, अभी तक साबरा लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं, यकीन करें ये बंदा नहीं रुकता, रोकने के बावजूद फिर बहन भाई कहते हैं कि सेहत का ख्याल नहीं रखती, ठीक है। बोखर में लगी हुई है, लगी हुई है, बस कर दो कुछ, अपनी सेहत का भी ख्याल किया करो। वो कहता जागा ही है। हेलो
बाबा की जान जाग आई है, कैसी हो? तो जी बस वीडियो को मैं यहीं ऐड करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना सकता क्योंकि 9-10 मिनट आप बहन भाइयों को सैर करवाई है। तो अगर आप बहन भाइयों ने पेड प्रमोशन करवाने हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस पे रब्ता करें। ये मेरा नंबर है साबरा के चैनल पे भी और इस चैनल पे भी, इंशाल्लाह कम्युनिटी में भी वीडियो लगाएंगे। 1 महीने का टाइम देंगे, 2 महीने का टाइम देंगे, लेकिन आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। ख़ास तौर पर जो व्लॉगिंग वाले बहन भाई हैं वो रब्ता करें, कुकिंग वाले जो बहन भाई हैं वो रब्ता करें, आउट ऑफ कंट्री से जो बहनें कुकिंग करती हैं चैनल्स पे और वो मेहनत कर रही हैं उनके चैनल पे व्यूज़ आएंगे। मेहनत करेंगे हम, शार्ट आउट भी देंगे, उनका लिंक भी लगाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इंशाल्लाह उनका काम जल्दी हो जाएगा। तो आपने मुकद्दस के लिए, मेरे लिए और साबरा के लिए दुआ करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।